Good morning, students. First of all, congratulations for being in the 12th class. I hope so all of you are fine and healthy. We are going to start class 12th biology subjects. And first of all, syllabus for biology class 12th. There are 6 units in your syllabus, and the first unit is reproduction. There are the 4 chapters in the reproduction unit. Chapter 1, reproduction in organism, 2, sexual reproduction in flowering plants, 3, human reproduction, and 4, reproductive health. So we are going to start chapter 1, reproduction in organism. As you know in previous class, there are the various characteristics of life, living organism, like living organism grow, living organism divide, and they reproduce. Now we are going to study about lifespan. The period from birth to natural death of organism is known as its lifespan. उसके birth से लेके उसके death तक जो भी उसने इस world में रहते हुए activities की वो उसका lifespan है. किसी भी organism का lifespan जो है वो दूसरे organism से vary करता है. Some organism has a few days lifespan and some organism has a few thousand year lifespan. And next है किसी भी organism का जो lifespan है वो उसके size से related नहीं है. उसका चाहे छोटा साइज है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा हो सकता है और अगर बड़ा साइज है तो लाइफ स्पैन छोटा भी हो सकता है. नेक्स्ट पेज में आपको कुछ एक एग्जांपल्स मिलेंगे जैसे एलिफेंट का, पैरट का, डॉग का, काउ का. ये चार कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लाइफ स्पैन आपने लर्न करने हैं और साथ में कंपेयर भी करने हैं. लाइफ स्पैन जो है वो फिक्स्ड है. अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ भी सर्टेन है. नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. उनको हम कुछ हद तक इमोर्टल कह सकते हैं बिकॉज वो अपनी डेथ से पहले नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन या बडिंग. उसके बाद है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर बर्थ लेते हैं, उनकी डेथ होती है, लेकिन फिर भी इस अर्थ पर लाइफ कई हज़ारों साल से चल रही है. तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यू है? एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्स लाइफ. रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देते हैं, फिर वो ऑफस्प्रिंग जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिर ग्रो करती है, मैच्योर होती है और फिर नए ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन. और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है. सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन कॉन्टिन्यू. रिप्रोडक्शन की वजह से ही इस अर्थ पे आज तक लाइफ चल रही है. सो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. देन नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन जो है उसमें कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बेस पे रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और एसेक्सुअल क्या होती है. सो इन दिस चैप्टर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से और वही पेरेंट जो है वही नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट से. हम उनको उनके पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी भी बोल सकते हैं. एंड अदर नेम फॉर द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज अ क्लोन. बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म बर्थ लेते हैं या ऑफस्प्रिंग्स बर्थ लेते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में, और जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स that are exactly similar to their parents. So we can say that clone is an organism or offsprings which is morphologically and genetically similar to their parents. Then next hai various method of asexual reproduction. Asexual reproduction single cell organism mein most common process hai, jo maximum ya you can say that ki 99.9 ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं. इसके अलावा कुछ एक प्लांट्स और एनिमल जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स आ गए, कुछ एक फंजाई आ गए जो यूनिसेलुलर हैं, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं, इसी मेथड को यूज़ करते हैं. एग्जांपल है जैसे प्रोटिस्टा एंड मोनीरा किंगडम है. ये किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन करते हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट मेथड है बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी मतलब टू एंड फ्यूजन मतलब ब्रेक होना. सो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं जब ये फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसके बाद ये बीच में से दो हिस्सों में कट जाता है, जिससे बराबर बराबर कंटेंट जो है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है या दूसरे ऑर्गेनेल हैं, वो बराबर बराबर दोनों ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाते हैं. दैट इज नोन एज अ सेल डिवीजन. और जब कोई ऑर्गेनिज्म
एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और दो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। देन नेक्स्ट है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एंड एग्जाम्पल है इसका अमीबा एंड पैरामीशियम। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। इसका डायग्राम आप लास्ट पेज पे देख रहे हो। ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। सी हियर, ये देखो ये ईस्ट सेल है, फुली ग्रोन ईस्ट सेल है। क्या होता है बडिंग में कि एक साइड जो जिसको जर्मिनेशन साइड कहा जाता है उस पर ईस्ट सेल के ऊपर एक छोटा सा बड बन जाता है। उस बड के अंदर उसी ईस्ट सेल का थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस का हिस्सा उसमें चला जाता है और कुछ ऑर्गेनेल्स चले जाते हैं। धीरे धीरे वो बड ग्रो करता है और जब वो फुली ग्रोन हो जाता है तो वो पेरेंट बड से कट के अलग हो जाता है और सॉइल में गिरता है और वहीं से उसी स्मॉल बड को जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं उसी से नया ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ द बडिंग इन केस ऑफ द ईस्ट। उसके बाद है स्पोरुलेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोरुलेशन। ये मेनली अमीबा करता है। अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और बिल्कुल राउंड शेप हो जाता है और अपने चारों ओर एक बहुत हार्ड थ्री लेयर कवरिंग बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है सिस्ट में। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज नोन एज अ एनसिस्टेशन। जब जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी अमीबा सिस्ट की फॉर्म में, सॉयल में या किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जहां वो रह सकता है वहां सर्वाइव करेगा। जैसे ही दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशन उसके लिए गर्मी, अगर उसको गर्मी चाहिए तो गर्मी हो सकती है, अगर उसके पानी चाहिए तो पानी हो सकता है। जैसे ही उसको दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिली वो अमीबा के चारों ओर जो बहुत सारी लेयर्स बनी थी, थ्री लेयर जो बनी थी वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएंगी और अमीबा के अंदर जो वो मल्टीपल फिजन होगी जिसकी वजह से एक अमीबा के अंदर बहुत सारे मन्यूट अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन जाएंगे एंड उसके बाद वो सिस्ट वॉल ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद उसमें जितने भी स्पोर्स बने थे वो सारे लिब्रेट होंगे और लिब्रेट होने के बाद वो स्पोर्स सॉयल में या किसी भी मीडियम में जाके फिर से ग्रो कर जाएंगे और एक फुली मेच्योर अमीबा बना देंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पोरुलेशन। सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ स्पोरुलेशन। देन यू कैन सी द डायग्राम ऑफ स्पोरुलेशन। यहाँ देखो ए डायग्राम में कितने सारे स्पोर जो हैं वो एक सेल के अंदर से रिलीज हो रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में इस सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस था लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई और सिस्ट वॉल ब्रेक हुई इसके अंदर डिवीजन हुई और एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बने और उन न्यूक्लियस से बहुत सारे सेल बने और वो स्पोर्स की फॉर्म में रिलीज हुए। सो दिस इज द मेथड ऑफ द स्पोरुलेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बडिंग मेथड है वो हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में साइड में एक बड बनता है, साइड में भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। बड धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके बाद फुली ग्रोन होने के बाद वो डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद वो एक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन के ग्रो कर जाता है। सो दीज आर द सम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, उसके बाद बडिंग पढ़ा और उसके बाद स्पोरुलेशन पढ़ा और नेक्स्ट पढ़ा हमने मल्टीपल फिजन। सो देयर आर फोर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट है जो किंगडम फंजाए या फिर कुछ एक सिंपल प्लांट्स है जैसे एल्गे हैं, ये स्पेशल तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उन स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोर्स फॉर्मेशन या स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जू स्पोर्स। आप डायग्राम में देखो यहाँ पे ये फंगस है, ये फंगस के ऊपर जो स्पोर्स लगे हुए हैं दीज आर नोन एज अ कोनिडिया। अगर इन स्पोर्स में फ्लैजला होते जैसे ए डायग्राम में दिखा रखा है तो इनको जू स्पोर कह देते। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द सम एल्गे एंड फंजाई। नेक्स्ट है कुछ एक दूसरे ऑर्गेनिज्म है एल्गे और फंजाई किंगडम में ही जो आते हैं वो कोनिडिया या फिर बर्ड्स या फिर गेम्यूल्स के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जो किंगडम के अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे पेनिसिलिन कोनिडिया के थ्रू करेगा, हाइड्रा बर्ड्स के थ्रू करेगा, स्पॉन्ज गेम्यूल्स की तरह करेगा। सो किंगडम फंजाई और एल्गे तक तो आपने पढ़ा कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो या तो स्पोर्स के थ्रू करते हैं और जो मोनीरा और प्रोटिस्टा है वो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एट्सेट्रा इन मेथड से करते हैं। अब आते हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जिनको हायर प्लांट्स या एनिमल्स या फिर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स या एनिमल्स कहा जाता है। तो एनिमल्स तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
नहीं करते हैं। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, जैसे रोज़ हो गया, मैंगो हो गया, या फिर पीपल का हो गया पेड़, ये सारे जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन इन प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। द टर्म यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, दैट इज़ अ मैनर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी की ही टाइप है या उसी के जैसा एक मेथड है जिसमें हम अलग अलग रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इन मेथड्स को या इन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को यूज़ करके जो है वो रिप्रोडक्शन करवाते हैं प्लांट्स की। आगे है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं। द टाइप्स आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब वन बाय वन हम इन दोनों टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पीस जिसमें मेरिस्टमैटिक सेल हो या जिसमें बड हो, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि जो प्लांट में नोड होती है वहाँ पे एक बड होता है, और उस बड में सारे के सारे सेल कैसे होते हैं, मेरिस्टमैटिक। इसके अलावा पौधे में जहाँ कहीं भी मेरिस्टमैटिक सेल है, जैसे शूट अपेक्स हो गया, लीफ टिप हो गई, बड हो गई, अगर इन पीसेस को, इन पार्ट्स को हम तोड़ के ज़मीन में लगा देते हैं, जैसे किसी की हमने बड लगा दिया ज़मीन में किसी पौधे का, या फिर हमने उसका शूट अपेक्स लगा दी, तो वहाँ से एक नया पौधा ग्रो हो जाता है। सो व्हेन वी यूज़ द डिस्टिंक्ट पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ एन प्लांट ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। आपने किसी पौधे के उस पार्ट का टुकड़ा ले लिया जिसमें मेरिस्टमैटिक सेल हैं, और उस टुकड़े को जब जमीन में लगा दिया तो वहाँ से नया पौधा ग्रो कर जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। और ये नेचुरल मेथड है, क्योंकि बहुत सारे पौधे क्या करते हैं, उनके जो बर्ड्स हैं वो नेचुरली जो हैं वो ज़मीन में गिर जाते हैं, अपने आप ही गिर जाते हैं, और वहाँ से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के पत्तों में बर्ड्स होते हैं, जब वो पत्ते बड़े हो जाते हैं तो वो झुक के ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं, और जैसे ही वो बर्ड ज़मीन के साथ टच होता है, किसी भी फ्लावर पॉट में लगा रखा है या अपने गार्डन में लगा रखा है, जैसे ही पत्ता ज़मीन के साथ टच होगा तो वहाँ से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, एंड वो जो बर्ड है धीरे धीरे वो पेरेंट प्लांट से कट के अलग हो जाएगा, उसका फ्रेगमेंट, वो फ्रेगमेंट बन के पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के आपने नेचुरल मेथड तो पढ़ लिया, अब है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में हम लोग खुद एफर्ट करते हैं, फार्मर्स या हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं या कल्टीवेटर जो हैं, वो पौधों में, जिन जिन पौधों में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकती है, उनके उन पार्ट्स को काट के या किसी भी तरीके से यूज़ करके अपने आप उनको ज़मीन में लगाते हैं और उनसे बहुत सारे पौधे नए ग्रो करवाते हैं। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो टेक्निक्स हैं, इसके आगे चार मेथड हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग। एक मेथड सकरिंग भी है जो मोस्ट कॉमन नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटिंग। कटिंग जो है, इसमें जैसे आपने रोज़ में देखा होगा, शुगर केन में देखा होगा कि पौधे के उस पार्ट को काट लिया जाता है जिसमें आपको बड दिखाई देते हैं, जिनको आई भी कहते हैं, और उस पार्ट को, उस टहनी को, कुछ सेंटीमीटर की टहनी को काट के फिर ज़मीन में लगा देते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको जब उस कटिंग को कट करोगे तो उसके कुछ एक बड ज़मीन के अंदर जाएंगे और कुछ एक बड ज़मीन के ऊपर भी रहने चाहिए। जो बड ज़मीन के नीचे गए वहाँ से निकलेंगी एडवेंटिशियस रूट्स, और जो बड उस कटिंग के ज़मीन के ऊपर रहे वहाँ से निकलेंगी शूट्स। इस तरह से नया पौधा कटिंग से तैयार हो जाता है, जैसा आपने घरों में रोज़ में देखा होगा। सो दिस इज़ द कटिंग मेथड। इसकी डायग्राम भी आपको साथ में मैंने दिखा रखी है कटिंग मेथड की, ये इसकी डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड आपने सुना होगा, लोकल घर में बोलते होंगे प्यूंद किया हुआ है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो रूट है, जिस पौधे की रूट यूज़ की जाती है उसको कहा जाता है स्टॉक, और जिस पौधे की हमने उसके ऊपर कटिंग लगानी है उसको कहा जाता है साइकोन। तो हम किसी सुपीरियर वेराइटी के पौधे की स्टेम काट लेते हैं, लेकिन फिर वही एसेंशियल कंडीशन है कि उस स्टेम में कहीं ना कहीं दो या तीन बड्स ज़रूर होने चाहिए। और उसके बाद, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, उसके बाद जिस शेप में आपने स्टेम को काटा है, जिसको हम साइकोन कह रहे हैं, जो सुपीरियर वेराइटी ऑफ प्लांट की स्टेम है, उसी शेप में हम रूटेड प्लांट जो है, जिसमें हम रूट्स यूज़ करने वाले हैं, सेम शेप में उसको काट लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्लांटिंग में काटा गया है। उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है और उनके चारों ओर मड लगा देंगे। उस मड में हम थोड़ी बहुत हार्मोन्स डालते हैं और उसको बाहर से रैप कर दिया जाता है।
और टाइम टू टाइम उसके ऊपर पानी का या मॉइस्चर जो है वो डालते रहते हैं, पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तो कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमने स्टेम लगाई है किसी भी प्लांट में, जो जिसके रूट यूज़ की हुई है, वो दोनों आपस में अटैच हो चुकी होती हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, वो पौधा जिसकी आपने स्टेम लगाई थी वही पौधा पूरी फुली ग्रोन हो जाएगा और उसी के फ्रूट्स या उसी की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो रूटेड प्लांट में आपको दिखाई देंगे। सो दिस इज़ द ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड की आगे बहुत सारी टाइप्स भी हैं, जैसे बेज ग्राफ्टिंग, या फिर नेक्स्ट टाइप है इसकी, नेक्स्ट टाइप है इसकी टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये डिपेंड करता है कि आप स्टेम में किस तरह का कट लगा रहे हैं। अगर आप टंग शेप कट लगा रहे हैं तो टंग ग्राफ्टिंग, बेज शेप लगा रहे हैं तो बेज ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट बना रहे हैं तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। वो आपने इंटरनेट से इसकी डिटेल या फिर डायग्राम निकाल के आपने वहाँ से इसको पढ़ लेना है। या फिर अगर आपके आस पड़ोस में कोई 12th का बच्चा पास आउट हो चुका है तो उसके पास अगर दिनेश कंपेनियन बायोलॉजी अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से अरेंज करके आपने वहाँ से इनके डायग्राम और टाइप्स देख लेनी है। उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया जाता है कि जो एक कोई पौधा है जिसकी टहनियाँ जो हैं वो ज़मीन से कुछ ही सेंटीमीटर दूर हैं, उन पौधों में उन टहनियों को झुका के एक हिस्सा उनका ज़मीन के अंदर डिप कर दिया जाता है और एक हिस्सा जो ऊपर वाला है वो ज़मीन के बाहर छोड़ दिया जाता है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। ये उन्हीं पौधों में किया जाता है लेयरिंग मेथड जो शॉर्ट हाइट के हैं या बुशी अपेयरेंस के हैं। जो ट्रीज़ हैं जिनकी स्टेम बहुत लंबी होती है और ऊपर जाके उनमें टहनियाँ लगी होती हैं या ब्रांचेस लगी होती हैं, उनमें यह मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी टहनियों को झुका के हम ज़मीन तक नहीं ला सकते। तो जो बुशी प्लांट्स हैं जिनकी टहनियाँ ज़मीन से कुछ ही दूरी पर होती हैं, उनमें ये लेयरिंग मेथड यूज़ किया जाता है। जिनकी नीचे वाली, नीचे वाली मतलब सॉइल से थोड़ी दूरी वाली जो हेल्दी ब्रांचेज हैं, उनको हम नीचे की तरफ झुका के कुछ हिस्सा उनका, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, सॉइल में डिप कर देते हैं और कुछ हिस्सा उसका बाहर रहने देते हैं। जो पत्तों वाला हिस्सा है, वो लीव्स वाला हिस्सा, वो बाहर रहने देते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो हिस्सा आपने ज़मीन के अंदर डिप किया हुआ था वहाँ से एडवेंटिशियस ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। फिर उसके बाद हम एडवेंटिशियस ब्रांचेज प्लस जो उसमें ऊपर लीफ लगे हुए हैं, इससे पीछे से एक हल्का सा कट लगाते हैं और उस टहनी को उस प्लांट से अलग कर लेते हैं और किसी दूसरी जगह उस टहनी को लगा देते हैं, ब्रांच को लगा देते हैं और एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। लेयरिंग मेथड की भी आगे टाइप्स हैं, सिंपल लेयरिंग एंड कंपाउंड लेयरिंग। जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, दिस इज़ अ सिंपल लेयरिंग, जिसमें जो टहनी है या ब्रांच है उसको एक जगह ही डिप किया गया है, एक जगह ही ज़मीन के अंदर दबाया गया है। मल्टीपल लेयरिंग में क्या होता है, जो ब्रांच बहुत लंबी होती है उसको तीन या चार जगह से ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, तो एक साथ आपको तीन या चार कटिंग्स मिल जाएंगी और आप इतने पौधे एक बार में ही ग्रो करवा पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड टिशू कल्चर मेथड। टिशू कल्चर मेथड में क्या किया जाता है, किसी भी पौधे का मेरिस्टमैटिक प्लांट पार्ट ले लिया जाता है। मेरिस्टमैटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शूट अपेक्स में होते हैं, बड्स में होते हैं, लीफ की टिप में होते हैं। तो उस छोटे से पार्ट को, 1 सेंटीमीटर के पार्ट को, जो जिसमें मेरिस्टमैटिक सेल हों, उसको काट के लैब में लाया जाता है। लैब में, फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया होता है जिसमें उस पार्ट को लगा दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए, 15 या 20 दिन के लिए लैब में ही रखा जाता है इन आर्टिफिशियल कंडीशन। आर्टिफिशियल कंडीशन को इन विट्रो कंडीशन भी कहते हैं। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपको एक बेबी प्लांट मिल जाता है रेडीमेड लैब में बना हुआ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फास्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो बहुत सारे फार्मर आजकल यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की 4 टाइप्स पढ़ी, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। इसकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, 5th नंबर, बडिंग। इस टाइप में या इस मेथड में क्या किया जाता है कि किसी भी एक सुपीरियर प्लांट का बड निकाल के किसी दूसरे सुपीरियर प्लांट में आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों जो सुपीरियर प्लांट्स हैं जिनमें अच्छे करेक्टरिस्टिक हैं, जो हमें नया प्लांट मिले उसमें उन दोनों के मिक्स करेक्टरिस्टिक्स हों, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो प्लांट सेलेक्ट करना है जिसका आप बड यूज़ करना चाहते हैं। तो आप किसी भी अच्छी क्वालिटी के प्लांट का बड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक टी शेप कट लगाना है जिस प्लांट में आप वो बड फिक्स करना चाहते हैं और उस बड को उस टी शेप कट के अंदर फिक्स कर देना और बाहर से रैप कर देना है, मड लगा देना है, वहाँ से मॉइस्ट सैंड लगा देना है। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखोगे, वो बड उस टी शेप कट के अंदर फिक्स हो चुका होगा और
वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स प्लस एडवेंटिशियस शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे जो बड आपने लगाया है उसके करेक्टरिस्टिक उस पौधे में आ जाएंगे जिस पौधे में आपने वो बड फिक्स किया था, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखो, टी शेप कट लगाया है, बड लेके आए हैं और उस बड को टी शेप कट में फिक्स कर दिया और बाहर से उसको रैप कर दिया। कुछ टाइम के बाद इसमें अपने आप जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स और शूट्स दोनों निकलना शुरू हो जाएंगी। सो दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लास्ट क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिवीजन है ये। नेचुरल मेथड में प्लांट के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी प्रोपोगेशन या अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो अपने किसी बॉडी के पार्ट से कर सकता है विदाउट यूजिंग और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी गेमेट्स। और जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट के स्ट्रक्चर्स या प्लांट जो स्ट्रक्चर यूज करता है उसका वो है राइजोम्स, रनर्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। राइजोम्स आपने अदरक और हल्दी के बारे में पढ़ा है, आपने देखा भी था प्रैक्टिकल के एग्जाम के टाइम कि जो हल्दी या अदरक है उनकी जो स्टेम है उसको राइजोम कहा जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसमें बर्ड्स होते हैं जिनको हम आईज भी कहते हैं, और उन बर्ड्स को अगर हम काट के ज़मीन में लगा दें या उस हिस्से में जिसमें बर्ड है या आई है उसको ज़मीन में लगा दें तो वहाँ से एक नया अदरक या हल्दी का पौधा हम तैयार कर सकते हैं। सो दैट आर द राइजोम्स। जिंजर एंड टर्मरिक इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है रनर। रनर का एग्जाम्पल है आपने ध्रुव ग्रास और पुदीना। आपने देखा होगा कि उसकी स्टेम कैसी होती है, दैट इज़ अ अंडरग्राउंड, हाफ अंडरग्राउंड और हाफ एबव ग्राउंड, और वो आगे से आगे एक किसी डायरेक्शन में ग्रो करती जाती है। जिस साइड वो ग्रो करती है उस साइड हमेशा एक बड प्रेजेंट होता है, वहीं से वो आगे ग्रो करती है। जहाँ बड होता है वहाँ एक तरफ नई स्टेम ग्रो कर जाती है नेक्स्ट डायरेक्शन में, और सन की तरफ एक एरियल ब्रांच ग्रो कर जाती है। आपने रनर के एग्जाम्पल में पुदीना और ध्रुव ग्रास के बारे में याद रखना है। बल्ब का एग्जाम्पल है गार्लिक और अनियन। गार्लिक और अनियन में आपने देखा है कि वो अंडरग्राउंड स्टेम तो इनकी रिड्यूस होती है, इनकी जो पार्ट हम खाते हैं वो क्या होता है, इनका फ्लैशी लीव्स। तो उन फ्लैशी लीव्स के थ्रू भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। आप लहसुन, आपने देखा होगा जब लोग लहसुन लगाते हैं तो लहसुन का जो फ्लैशी लीव है उसके अंदर होता है टर्मिनल बड, उस फ्लैशी लीव को ज़मीन में लगा देते हैं और उस टर्मिनल बड से ही नया लहसुन का पौधा या फिर गार्लिक का पौधा तैयार हो जाता है। एक और मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ट्यूबर, जो पोटैटो में होता है। पोटैटो में आपको पता है कि आईज होती हैं और आईज के अंदर क्या होते हैं, बड्स। हम पोटैटो के जहाँ पे उसमें बड प्रेजेंट है वहाँ हम उसको कट कर लेते हैं और ज़मीन में लगा देते हैं और वहीं से पोटैटो का नया पौधा तैयार होता है। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे इंडिया में क्या हुआ कि एक पौधा इंट्रोड्यूस किया गया वाटर हाइंथ, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत फास्ट करता था, लेकिन बाद में उसको नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। क्या हुआ कि ये पौधा इतनी फास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता था कि ये एक्वाटिक प्लांट है, इतनी फास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता था कि पानी में कुछ दिनों में ही पूरे के पूरे वाटर बॉडी को, पूरे के पूरे पौंड को कवर कर लेता था, जिसकी वजह से पानी की ऑक्सीजन कम होने लगी और उसमें मछलियाँ या दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ होने लगी और वो पानी सड़ने लग पड़ा। तो इसकी वजह से, वाटर हाइंथ की वजह से पूरे के पूरे बंगाल में जितने भी पॉन्ड्स थे वो सारे के सारे ख़राब हो गए थे या उनका पानी सड़ने लग पड़ा था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये एक एग्जांपल है कि ये ऐसा पौधा है जो बहुत फास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। उसके बाद आपने पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, इनके बारे में आपने सुना है कि ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं थ्रू द बर्ड्स, और बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं नोड्स पर। देन ब्रायोफाइलम के बारे में भी मैं आपको बता चुकी। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस हायर प्लांट्स दोनों ही करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे टाइप्स, नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टाइप्स, इनको लर्न करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, प्लस एक क्वेश्चन है व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अपने नोट्स में लिखना है और इसका आंसर जो है वो इस जितना मैंने पढ़ाया है उसमें दे रखा है, वो आंसर भी आपने
करना है, और ये आपके लिए एक तरह का असाइनमेंट है। आपने ये असाइनमेंट करके कल मेरे को सेंड करनी है कि आपने ये नोट्स बना लिए हैं, और साथ में इन सबको लर्न भी करना है। और कल जो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि लास्ट ईयर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रंस। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। Then tomorrow you have to revise this asexual reproduction as well as sexual reproduction. So this is all for today. Thank you, students.